नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। एक नजर डालते हैं आज के खबर की ओर। एक तरफ आम जनता को कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर विकलांग कुष्ठ रोगियों को कोरोना वैक्सीन देने का काम कल्याण डोंबिवली महापालिका कर रही है। कल्याण डोंबिवली महापालिका राज्य की पहली महापालिका बनी है। कल्याण पूर्व के हनुमान नगर कुष्ठ रोग बस्ती में केडीएमसी की ओर से 150 विकलांग कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण किया गया। बता दें कि इस समय शहर में वैक्सीन की कमी है, जिससे कई दिन टीकाकरण केंद्र बंद रखना पड़ा था। टीका लगाने के लिए कई प्रतिक्रिया है, लेकिन कुष्ठ रोगी व विकलांग इन सभी प्रक्रिया पूरा करने में असमर्थ है। लेकिन गजानन माने ने ये समस्या केडीएमसी प्रशासन तक पहुंचाई। कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने बिना देरी किए सकारात्मक परिसाद दिया और सीधे उनकी बस्ती में जाकर तकरीबन 150 कुष्ठ रोगी व विकलांगों का टीकाकरण किया। मैं मंगेश खंदारे, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ म्हणून हनुमान नगर कुष्ठ वसाहत येथे रुग्णांचं पुनर्वसन करण्यासाठी आणि उपचार करण्यासाठी माझी शासनाने नियुक्ती केली आहे। या कॉलनीमध्ये साधारणतः 150 कुष्ठरुग्ण जे विकलांग आहेत असे रुग्ण इथे राहतात आणि या रुग्णांना कोविडचं लसीकरण करणं खूप गरजेचं होतं आणि सध्याचं लसीकरणाची परिस्थिती पाहता हे रुग्ण सकाळी 5:30 उठून टोकन घेण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांबरोबर रांगेत उभं राहणं यांना शक्य नसल्यामुळे कॉलनीतील समाजसेवक माननीय डॉक्टर श्री गजानन माने साहेब आणि प्रदीप गायकवाड साहेब यांनी महापालिका यांच्याकडे एक प्रस्ताव दिला होता। त्यानुसार कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी साहेब, त्याचबरोबर वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अश्विनी पाटील मॅडम, तसेच लसीकरण अधिकारी डॉक्टर निंबाळकर यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि आज आपण पाहतो आहोत ही जी कुष्ठवसाहत आहे यांच्या राहत्या घराच्या बाजूला आज आपण कोविडचं लसीकरण त्यांना करत आहोत, जेणेकरून त्यांना बाहेर जाऊन त्रास होऊ नये, कारण हे सर्व 40% वर विकृती रुग्ण आहेत। अशा प्रकारचा जो चांगला उपक्रम आज कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये केलेला आहे, असाच चांगला उपक्रम इतर महानगरपालिका किंवा प्रशासनाने महाराष्ट्रात ज्या कुष्ठवसाहती आहेत त्या ठिकाणी करावा असं मला वाटतं। तो इतिहास खबर इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़।